सड़क सुरक्षा माह के तहत आरटीओ कार्यालय पर बताया गया बीमा पाए पॉलिसियों का लाभ हराई तकनीकी हरिओम एवं नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के गौतम कुमार राजौरिया ने दी विस्तृत जानकारी। कहा पाए पॉलिसी होने के बाद भी अज्ञानता के कारण रह जाते हैं लाभों से वंचित वही है समझाया। फिरोजाबाद राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत आरटीओ कार्यालय में यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा माह को लेकर ट्रांस सपोर्टर व लाइसेंस अभ्यर्थियों को समझाया गया कि बीमा से किस तरह के फायदे होते हैं। इस दौरान आरआई तकनीकी निरीक्षक हरिओम जी ने बताया कि सड़क सुरक्षा माह जो चल रहा है उसके क्रम में जो बीमा कंपनियां हैं बीमा करवाना कितना फायदेमंद होता है एवं रोड से फटी के नियमों से भी अवगत कराया गया। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के गौतम कुमार राजौरिया ने बताया कि जो आयोजन किया गया है इसके तहत हमने यहां जो भी आगंतुक सभागार में मौजूद रहे उनको बीमा से मिलने वाले लाभों से अवगत कराया। बताया कि आपके पास पाए पॉलिसी होती है लेकिन अज्ञानता की वजह से न मिलने वाली जानकारी की वजह से आप उससे वंचित रह जाते हैं। कहना यही है सभी इस तरफ ध्यान देंगे तो समाज को जो मिलने वाला लाभ है उससे एक भी आदमी वंचित नहीं रहेगा। इस दौरान यातायात प्रभारी राम बाबू गौतम, यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी के अनुराग शर्मा, दीपक कुमार के अलावा आरटीओ व यातायात स्टाफ मौजूद रहा। अभी जो सड़क सुरक्षा माह जो चल रहा है इसके दौरान आज जो बीमा कंपनियां हैं उनके सहयोग से जो हमारे मोटर जो मोटर वाहन अधिनियम जो बीमा अधिनियम है उसके बारे में सभी को विस्तार से अवगत कराया गया। उसमें बताया गया कि थर्ड पार्टी बीमा क्या है या फर्स्ट पार्टी बीमा, इनके बारे में सभी को विस्तार से बताया गया और रोड सेफ्टी के नियमों के बारे में भी बताया गया। जो आयोजन किया गया है क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय डबरई में, इसके तहत हमने यहाँ जितने भी आगंतुक सभागार में मौजूद थे उनको बीमा से मिलने वाले संरक्षण के बारे में अवगत कराया कि आपके पास पॉलिसी होती है मगर आपकी अज्ञानता की वजह से, आपकी ना जानकारी की वजह से आप उससे मिलने वाले लाभों से वंचित हो जाते हैं। हमने उनको आज बहुत विस्तार से बताया कि पॉलिसी लेने के बाद आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, जैसे नंबर प्लेट ब्लैंक है, ये आगे लिखा है जय माता दी जय श्री राम, नंबर उस पर है ही नहीं, कोई आदमी दुर्घटना मार के चला जाए सामने से उसका आप नंबर देख ही नहीं पाएंगे। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आज हमने इन लोगों को बताई हैं, अगर ये सब चीज़ें लागू होंगी तो निसंदेह समाज को जो बीमा से मिलने वाला लाभ है उससे एक भी आदमी वंचित नहीं रहेगा।